अपनी दुख के घड़ी में हम लोग हैं और इसी से आप लोगों को पहचानना है कि आज जो सरकार का जो एक्चुअल फर्ज होना चाहिए गरीब के प्रति, वो सरकार फर्ज नहीं निभा पाता है। आज आपका घर असियाना जल गया, आज सरकार की तरफ से मुआवजा भी है तो 10,000 रुपया, और वो भी अभी तक नहीं पहुंचा, जबकि सरकार को घर बना के तुरंत अविलंब देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में आपका कोई योगदान नहीं है। सिर्फ आप उनको वोट देते हैं, वो सरकार आपका नहीं है। आज इस तरीके से बिहार में हमारे पास जो पावर बना था, हम सरकार का हिस्सा बने और आज भी हम रहते तो शायद अभी इसका परिणाम कुछ और होता, लेकिन हम ऑर्डर देने वाला भी नहीं है, हम लोग आज ऑर्डर सुनने वाले हैं। तो आप और हम सबको मजबूती से एक साथ रहकर ऑर्डर देने वाला व्यक्ति बनना है। जब हम ऑर्डर देने वाला बनेंगे तो इसका परिणाम अलग होगा। और आज बिहार में घर किसका चल रहा है, खास करके हमारे दलित भाई और अति पिछड़ा में, खास करके निषाद समाज के लोग, यही दो लोगों का घर जलता है। क्योंकि जो फूस का घर जो होता है, प्लास्टिक से घर बना हुआ जो होता है, वो हम ही लोगों के पास है। बाकी सभी लोगों में आप देखेंगे अधिकतर पक्का का घर बन चुका है। और आज हम लोगों के सरकार से जो इंदिरा आवास भी मिलना चाहिए, कहने के लिए कह रहे हैं कि भारत में जितने भी झोपड़ा है खत्म हो चुका है। बिहार से भी रिपोर्ट भारत सरकार को चला गया प्रधानमंत्री को कि बिहार में एक भी झोपड़ी का घर नहीं है। फिर ये झोपड़ी का घर नहीं है तो कैसे आग लग गया? तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को अपना जवाबदेही से काम करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जवाबदेही से काम आपको अपना कराना है तो आपको अपना सरकार बनाना पड़ेगा। और जब आपका अपना सरकार बनेगा तो आपके अपने लोग आपके बारे में सोचेंगे और आपके हर संभव मदद करने के लिए पहुंचेंगे। आज आप हमारे हैं, कितना भी समय था, 2-4 कैंसिल करके समय निकाल के हम आए हैं। अगर हम आपके अपने नहीं होते तो शायद हम भी नहीं आते आज, क्या दूसरे लोग नहीं? तो इसलिए इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। अभी डीएम साहब से पहले भी बात हुआ है, अभी शीघ्र, अभी मैं पता चला कि अभी तक वो भी पैसा नहीं आया, तो वो शीघ्र मिले। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे अभी 5 रोज तक खाना चला भी बंद हो गया है, वो लगातार चलना चाहिए, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना चलना चाहिए। उसके लिए भी अभी हम डीएम साहब से बात करते हैं। बिजली विभाग के द्वारा शॉर्ट सर्किट से आग लगा तो उनका भी फर्ज बनता है कि मुआवजा देना। एक सरकार जो मुआवजा है वो तो देंगे ही, और बिजली विभाग को भी मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए भी हम अभी जानकारी प्राप्त करते हैं और बिजली विभाग जो कानून है उसके तहत बिजली विभाग भी पैसा दे। अगर वो कानून से अगर बाहर जाएंगे तो बिजली विभाग के ऊपर भी हम लोग केस करवा देंगे पार्टी की तरफ से। और हम चाहेंगे कि जय जयराम जी और जिला कमेटी के लोग, बिजली विभाग के मंत्री से भी मैं बात करूंगा, उसका कानून समझेंगे, क्योंकि उनकी वजह से नुकसान हुआ है। कोई बिजली हमको फ्री में थोड़े दे रहा है, बिजली का पैसा लेता है। और जब पैसा ले रहा है तो उनका काम है कि वो बिजली उस तरीके से बना के रखे ताकि किसी को नुकसान ना हो। उनके बिजली विभाग पैसा कमाता तो हमको थोड़े बांट देता है। इसमें एक्ट में हो सकता है कि उनको भी जुर्माना भरना चाहिए। और सरकार के पास भी खास करके ऐसे जगह पे तो विशेष योजना चलाना चाहिए सरकार को, जहां पे बाढ़ से, आग से लोग परेशान होंगे, तबाह होंगे, वहां पे विशेष पॉलिसी बनाने के लिए। गरीब का बेटा रहेगा, गरीब का दुख दूर समझेगा, तब ना वो कल बनाएंगे। वो बड़े लोग हैं, वो गरीबी देखे नहीं है, इसलिए गरीब के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। आज बड़का बड़का नेता पटना में बैठे, उनको आके यहाँ पे देखना चाहिए। आज इतना गर्मी है, इतना लू है, जिसमें इस लू में गर्मी में गाड़ी से 5 मिनट निकलने में परेशानी हो रहा है, और ऐसे जगह पे लोग आज खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो आपके साथ दुख में हम आपके साथ हैं।
हर संभव हम लोग जो जितना होगा वो मदद करेंगे। उसके साथ साथ आप देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार में, देश में हम लोग अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी में ये सब भी समय समय पे होता है, इसमें भी हम लोग जितना होता उतना हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बड़ी लड़ाई लड़ना है और बड़ी लड़ाई की तैयारी में हम लोग लगे हैं, जुटे हैं। पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने स्तर से दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, तो इसमें हम पूरी नजर हमारी है और इसमें जितना हो सकता है सरकार से वो हम मदद कराएंगे। अपनी तरफ से जो है वो हमारे सभी पार्टी के लोग हैं वो आप लोगों को मदद पहुंचाएंगे। पार्टी के लोग पहले से भी एक्टिव है, मुखिया जी भी अपना है। अभी इसमें 600 इंदिरा आवास जो है वो हम कोशिश करते हैं पटना में डायरेक्ट ऊपर में नगर विकास मंत्री से बात करके, डायरेक्ट ऊपर के पदाधिकारी से बात करके शीघ्र ही जो इंदिरा आवास वाला है वो शीघ्र ही आपका हो जाए, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। डाटा में भी है, सिर्फ आवंटन की आवश्यकता है, नहीं तो दीदी से करेंगे आवास का आवंटन। आवास का आवंटन कोई नहीं करेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।